जिंगल jingle bells, jingle bells, jingle Claus जिंगल coming जिंगल ऑन द वे सेंटा open sleigh. Jingle इन वन हॉर्स jingle जिंगल ऑन द वे सेंटा is coming कमिंग in इन अ वन हॉर्स sleigh. अब बस करो बच्चों, चलो जल्दी स्कूल का टाइम हो रहा है नो no, मॉम, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे मैंने और भैया ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग घर पर रहकर सेंटा क्लॉज के लिए क्रिसमस कार्ड बनाएंगे बना लेना बेटा लेकिन शाम को वैसे भी क्रिसमस परसों है शाम को मैं भी आपकी हेल्प करूंगी कार्ड बनाने में ओके सच मॉम फिर तो बहुत मजा आएगा वैसे मॉम मैंने जो लेटर लिखा था सेंटा क्लॉज के लिए वो तो आपने पोस्ट कर दिया ना ओ, वो लेटर हाँ हाँ मैंने तो उसी दिन पोस्ट कर दिया था चलो मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ रूही और रेमू को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था वो अपनी मां क्रिस्टीन और पापा पीटर के साथ अपने आलिशान घर में रहते थे पीटर का अपना बिजनेस था किसी बात की कोई कमी नहीं थी उन्हें हर साल की तरह इस साल भी रूही और रेमू ने क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज के नाम एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सेंटाक्लॉज से गिफ्ट में अपने फेवरेट टॉयज मांगे थे उन्हीं के घर काम करने वाली मेड मैरी उस वक्त वहीं पर थी और घर के काम कर रही थी मैरी की बेटी मारिया लगभग रूही की उम्र की थी मैरी के पति की कई साल पहले कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई थी मजबूर होकर मैरी को लोगों के घरों में काम करना पड़ा बड़ी ही मुश्किल से वो अपना और मारिया का पेट पाल रही थी मारिया का स्कूल भी बीच में ही छूट गया था रूही के लेटर के बारे में सुनकर उसने रूही से पूछा रूही दीदी आपने सेंटा क्लॉज को लेटर भेजा था क्या लिखा था उसमें और क्या सचमुच सेंटा क्लॉज तक आपका लेटर पहुंच जाएगा और वो आपकी विश भी पूरी करेंगे हाँ मैं तो हर साल सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती हूँ और हर साल वो मेरी विश पूरी करते हैं लेकिन मैं तुझे अपनी विश क्यों बताऊं तुझे बताऊंगी तो क्या पता मेरी विश पूरी ना हो अच्छा सच में तुम तो मुझे भी तो मुझे, ओ, मुझे भी सेंटा से विश मांगनी है आप मुझे भी सिखाओ ना मुझे भी उन्हें लेटर लिखना है मारिया की बात सुनकर रूही और रेमो जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर रेमो उससे कहता है <laughs> क्या कहा तू लिखेगी सेंटा को लेटर तुझे क्या लगता है सेंटा के पास इतना खाली टाइम है तेरा फालतू लेटर पढ़ने के लिए और तेरी फालतू विश पूरी करने के लिए चल तेरा जो काम है तू वो कर हमें स्कूल के लिए देर हो रही है हमारे तैयार होने से पहले हमारे स्कूल शूज पॉलिश हो जाने चाहिए समझी इतना कहकर रूही और रेमो वहां से चले जाते हैं मारिया उनके बर्ताव से बहुत दुखी होती है और चुपचाप शूज पॉलिश करने लगती है काफी दिनों से उसकी माँ मैरी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आ जाया करती थी मारिया और मैरी गरीब थे उनके पास अच्छा खाने और पहनने के लिए नहीं था रूही और रैमो अक्सर मारिया का मजाक उड़ाया करते थे लेकिन मारिया ने कभी इस बात की शिकायत किसी से नहीं की फिर उसी दिन मारिया घर जाकर अपनी मां से मां क्या सच में सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के घर ही आते हैं मुझे याद है जब तक पापा हमारे साथ थे सेंटा क्लॉज हमेशा मेरे लिए गिफ्ट छोड़कर जाते थे लेकिन पापा के जाने के बाद जैसे ही हम गरीब हुए सेंटा ने मेरे लिए गिफ्ट लाना बंद कर दिया क्या वो मुझसे नाराज है अगर मैं उन्हें रूही दीदी की तरह लेटर लिखूंगी तो क्या वो उसे भी नहीं पढ़ेंगे और मेरी विश भी पूरी नहीं करेंगे नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सेंटा तो सारे बच्चों से प्यार करते हैं उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है सारे बच्चे एक बराबर हैं। सच मां तो मैं भी सेंटा के लिए एक लेटर लिखूंगी जैसे रूही दीदी ने लिखा था आप उसे भेज दोगे ना <laughs> हाँ हाँ भेज दूंगी अब मारिया बहुत खुश थी उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह होते ही उसने सबसे पहले सेंटा के लिए एक लेटर लिखा और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया फिर उस लेटर को अपनी मां को देते हुए बोली माँ ये लो ये लेटर मैंने सेंटा के लिए लिखा है इसमें मेरी विश है आप इसे आज ही पोस्ट कर देना याद से अच्छा तुमने लिख भी लिया मैं भी तो देखू क्या लिखा इसमें नहीं माँ ये लेटर सिर्फ सेंटा के लिए है उनके अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता अच्छा बाबा ठीक है नहीं पढ़ूंगी मैं चलो अब जल्दी पहले ही बहुत देर हो गई है मारियो और मैरी क्रिस्टीन के घर पहुंचते हैं क्रिस्टीन मैरी को देखते ही गुस्से से कहती है ये सब क्या है मैरी मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें आज क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जाना है तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना और तुम कितने बजे आ रही हो अब सॉरी मैडम मैं जल्दी से करती हूं सब इतने में अंदर से ही रूही भड़कती हुई बाहर आती है और गुस्से से अपनी माँ से कहती है मॉम ये क्या है ये लेटर अब तक घर में क्या कर रहा है आपने इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया कल ही तो क्रिसमस है अब सेंटा तक कैसे पहुंचेगा ये और मेरी विश मेरी विश का क्या होगा आई हेट यू मॉम आई हेट यू इतना कहकर रूही जोर जोर से रोने लगती है क्रिस्टीन उसे समझाते हुए कहती है नो no, बेबी ऐसे रोते नहीं आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा आपका ये लेटर मैं अभी जाकर पोस्ट करती हूँ आई प्रोमिस जरूर सेंटा तक पहुंच जाएगा और आपकी विश भी जरूर पूरी होगी बेटा रूही क्रिस्टीन से नाराज होकर वहां से चली जाती है क्रिस्टीन हर साल बच्चों के लिखे लेटर को गायब कर देती थी और लेटर में मांगा हुआ गिफ्ट चुपचाप लाकर सेंटा के नाम से बच्चों के लिए रख देती थी लेकिन इस बार गलती से यह लेटर उसे मिल गया उसे लगा जैसे इस बार उसके लिए गिफ्ट नहीं आएगा इस बात से वो बहुत ही नाराज थी तभी मारिया उसके पास जाती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है रोही दीदी आप बिल्कुल भी उदास मत हो मैंने आज ही सेंटा को लेटर लिखा है और उसमें मैंने सेंटा से आपकी विश पूरी करने के लिए भी कहा है आप देखना सेंटा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे क्या तूने क्यों लिखा लेटर अब तेरे लेटर की वजह से मेरा लेटर सेंटा तक पहुंचने में और लेट हो जाएगा अरे रूही तुम परेशान मत हो इसका लेटर सेंटा तक कभी पहुंचेगा गई नहीं और गलती से पहुंच भी गया तो सेंटा कभी इसकी विश पूरी नहीं करेंगे जैसी फटेहाल ये है वैसी फटेहाल इसकी विश भी होगी नहीं रेमो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने पूछा था माँ से सेंटा अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते वो जैसे आपसे प्यार करते हैं वैसे ही मुझसे भी प्यार करते हैं आप देखना वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे जरूर पूरी करेंगे <laughs> मारिया रोते हुए वहां से चली जाती है मैरी उसे रोते देखकर सब समझ जाती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं वो मारिया की विश जानती थी क्योंकि उसने चुपके से मारिया का लेटर पढ़ लिया था लेकिन उसकी विश पूरी कर पाना उसके बस से बाहर था यही सोचकर वो भी बहुत उदास हो जाती है वो किसी से कुछ नहीं कहती बस चुपचाप अपना काम करती रहती है फिर कुछ देर बाद क्रिस्टीन और पीटर रूही और रेमो को मैरी के साथ छोड़कर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं रास्ते में पीटर क्रिस्टीन से हां जी तो बताओ इस बार क्या विश है आपके बच्चों की क्या मांगा है उन्होंने सेंटा से रूही को एक बड़ा सा डॉल हाउस चाहिए और रेमो को वीडियो गेम आ, वैसे इस बार एक और विषय जो हमें पूरी करनी है एक और विश लेकिन किसकी वो अपनी मेड है ना मैरी उसकी बेटी मारिया उसने भी रूही को देखकर लेटर लिखा है सेंटा के नाम मैरी के पास से किचन में गिर गया था मुझे मिला तो मैंने रख लिया सोचा अपने बच्चों के साथ उस बेचारी के लिए भी उसका मनचाहा गिफ्ट ले लेंगे कुछ भी कहो दोनों माँ बेटी हैं तो बहुत मेहनत अब इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए हाँ हाँ क्यों नहीं तो खोलो उस बच्ची का लेटर और बताओ क्या चाहिए उसे क्रिस्टीन मारिया का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है प्यारी सेंटा मैं पहली बार ये लेटर आपको लिख रही हूं मेरी आपसे बस एक ही विष है आप मेरी माँ को जितना जल्दी हो सके बिल्कुल ठीक कर दो उनकी हालत बहुत खराब है वो रात भर सो नहीं पाती वो पहले से बहुत कमजोर हो गई है पापा को तो मैं खो चुकी हूं अब मां की ऐसी हालत मुझसे देख ही नहीं जाती वो पूरा दिन मेहनत करती हैं ताकि मुझे कोई कमी ना हो आप बस उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा और हां रूही दीदी और रेमो भैया की विश भी जरूर पूरी करना आप मैरी क्रिसमस मारिया का लेटर पढ़कर क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं पीटर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं अगले दिन क्रिसमस था रूही और रेमो को उनकी पसंद के गिफ्ट्स मिल चुके थे और वो बहुत खुश थे तभी मारिया उनके पास आती है और उनसे कहती है मैरी क्रिसमस दीदी मैरी क्रिसमस भैया हाँ हाँ ठीक है देख मेरी विश तो पूरी हो गई कितना प्यारा डॉल हाउस लाए हैं सेंटा मेरे लिए तेरी विश का क्या हुआ वैसे तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे कुछ मिला भी है वही पुराने कपड़े पहनकर आई है जो रोज पहन आती है अरे पागल कम से कम नए कपड़े ही मांग लेती थी सेंटा से क्रिसमस के लिए हाँ रूही इसे मांगना तो बहुत कुछ चाहिए था लेकिन इसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा इसकी विश तो बहुत अलग और बहुत खास थी अच्छा ऐसा क्या मांगा इसने मारिया बेटा सेंटा ने आपकी विश पूरी कर दी है ये देखो ये शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हारी माँ जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और देखो सेंटा ने आपके लिए ये नई ड्रेस भी भेजी है क्रिसमस पर पहनने के लिए सच मैडम आप सच कह है रही हैं थैंक यू सेंटा थैंक यू आप बहुत ही अच्छे हो पीछे खड़ी मैरी ये सब देख रही थी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे मारिया के साथ साथ वो भी बहुत खुश थी मारिया के साथ साथ उसकी विश भी तो पूरी हो रही थी वो भी तो मारिया को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी रूही और रेमो की तरह इस बार मैरी और मारिया भी खूब अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं क्रिस्टीन और पीटर मैरी का इलाज करवाते हैं जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और सही मायने में मारिया की विश पूरी हो जाती है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल